अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी जॉब्स आती हैं उसके हवाले से उसको कैसे अप्लाई करना है और किस तरह आपने जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें और जॉब्स की टेस्ट की जो है वो तैयारी कैसे करनी है, वो सारी मैं आपको अपडेट देता हूँ, सारी जो मटेरियल वो भी प्रोवाइड करता हूँ। अब बात आती है कि ये जो 5 to 15 ग्रेड की जो जॉब्स आई हुई हैं ग्रेजुएशन पे, मेट्रिकुलेशन पे और इंटरमीडिएट पे, सबका सवाल यही होता है अक्सर मुझसे कि हमें कौन सी जॉब मिलेगी और किस तरह हम जो है कौन सी फील्ड में जा सकेंगे और कौन सी फील्ड हमारे लिए सही होगी। तो ये सारी चीज़ें सबका एक सवाल होता है कि भाई हमने टेस्ट तो दे दिया, अब क्या होगा, या टेस्ट हमने अगर नहीं दिया अभी तक, अगर हम देंगे तो बाद में क्या होगा, कौन सी जॉब मिलेगी। तो ये किसी को भी कन्फर्म नहीं था कि भाई कहाँ मुझे वैकेंसीज़ मिलेगी, और ये भी कन्फर्म नहीं था कि वैकेंसीज़ हैं कितनी। तो अभी मैं आपको जो अपडेट दे रहा हूँ वो इस जॉब्स के हवाले से दे रहा हूँ कि कौन सी जॉब जो है 5 to 15 ग्रेड की आपको मिल सकती हैं। तो आप हम जो है मैं आपको सारे जो शोबे हैं इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपको जो है वैकेंसीज़ मिलेंगी आपको स्क्रीन पे भी मेरे पे नज़र आएगा, और मैं यहाँ से आपको जो है वो पढ़ के सारी सुनाता हूँ उनकी जो डिटेल्स है कि किस तरह किसको कौन सी जो है वैकेंसी या कौन सी जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर ये देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है एग्रीकल्चर सेक्शन में इस वक्त जो है 1273 जो है वैकेंसीज़ खाली हैं। उसके बाद औकाफ ज़कात नुशर में है 249 है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 1000 है, कोऑपरेटिव में है 89, उसके बाद कल्चरल टूरिज्म एंड एंटीक्विट्स में है 244, उसके बाद एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट में है 26000, उसके बाद जो है एनवायरमेंटल क्लाइमेट एंड कोस्टल डेवलपमेंट में 100 वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद जो है एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स में जो है वो 215 हैं, उसके बाद इंक्वायरीज एंटी करप्शन में 341 है, एनर्जी में 400 है, उसके बाद है फूड है और फाइनेंस में इसमें जो है 80 जो है वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद जो है अगर हम आते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में तो 213 हैं, उसके बाद जो है जी ए विंग SDA एंड ST में जो है 177 वैकेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं वो हैं ऑलमोस्ट जो हैं 34, उसके बाद जो है कॉन्फ्यूगेशन में जो हैं वो 1600 हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स में हैं 25 है, कच्ची आबादीज जो हैं वो उसमें 25 हैं, उसके बाद अगर हम आते हैं लैंड यूटिलाइजेशन उसमें भी वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद लेबर ह्यूमन रिसोर्स में जो हैं 2000 वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद माइनॉरिटीज अफेयर में 53 हैं, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट में 93 हैं, उसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में 169 हैं, उसके बाद जो हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में 188 वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद अगर हम आते हैं तो ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट है, यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड है, उसके बाद वुमेन डेवलपमेंट है, वर्क्स एंड सर्विस है, तो इन सब में भी जो है 5500 वैकेंसीज़ है। तो ये ऑलमोस्ट जो टोटल वैकेंसीज़ बनती है हमारे पास वो बनती है 90000, यानी कि 90000 वैकेंसीज़ है। अब सबको ये था कि भाई हमने 14 लाख जो है 14 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो क्या हमें नौकरी मिलेगी। तो भाई अगर आपने टेस्ट पास किया है तो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ यकीनन आपको कोई ना कोई जॉब मिलेगी, क्योंकि 90000 वैकेंसीज़ यूटिलाइज़ करनी है तो वो यूटिलाइज़ इस तरह तो नहीं होगी। मेरे ख्याल से 90000 लोग तो पास भी नहीं होंगे, जैसे कि PST JST में हुआ था हमारे पास 40000 वैकेंसीज़ थी, 35000 वैकेंसीज़ थी, लेकिन हमारे पास जस्ट 15000 लोग तक जो है पास हुए थे, बाकी वैकेंसीज़ खाली थी। तो 40 प्लस आपने मार्क्स ले लिए हैं क्योंकि इसकी जो क्राइटेरिया है वो 40 प्लस है, यानी कि 40 पे पास है, उसके बाद जो इसका ये टेस्ट है ये 2 ईयर्स तक वैलिड है, यानी कि ये जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई जो वैकेंसीज़ बताई इसमें ये होगा कि किसी एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट ग्रेड की हो। अगर मिसाल के तौर पर कोई फ्यूगेशन डिपार्टमेंट है या लिटरेसी डिपार्टमेंट में, उसमें ये भी वैकेंसी 5 से 8 के दरमियान भी ग्रेड के दरमियान भी जो वैकेंसीज़ होंगी तो वो उनको मिलेंगी जो जिन्होंने मेट्रिकुलेशन किया है 5 से 8, 9 वाली, फिर उसके बाद 9 से 10, 11, 12 ग्रेड वाली उनको मिलेंगी जिन्होंने इंटरमीडिएट पे टेस्ट पास किया है, उसके बाद जो है 13, 14 और 15 ग्रेड की जो वैकेंसीज़ हैं उनको मिलेंगी जिन्होंने ग्रेजुएशन पे टेस्ट पास किया है। तो ये सारा जो है इसका प्रोसेस है, यानी कि अगर आप कोई टेस्ट पास करते हैं तो आपको कौन सी वैकेंसी मिलेगी, ये आपके उसमें डिपेंड करता है कि आप जो है किस कैटेगरी में टेस्ट पास करते हैं, जिस कैटेगरी में टेस्ट पास करते हैं तो उसमें फिर आपका अपना इंटरेस्ट किस में है, यानी कि आपका रेवेन्यू में है जाना चाहते हैं तो फिर रेवेन्यू के लिए जो अलग मेरिट होगी, मिसाल के तौर पर रेवेन्यू में जाने के लिए आपको चाहिए 70 मार्क्स और आपके हैं 40 मार्क्स तो आप रेवेन्यू में तो नहीं जा सकते, तो आप किसी और डिपार्टमेंट में जाएंगे। अगर एजुकेशन लिटरेसी के लिए रिक्वायर्ड है 60 मार्क्स और आपकी 55 है तो आप उसमें नहीं जा सकते। तो ये इस मार्क्स का ये जो अरेंजमेंट है ना, इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैकेंसी में जाएंगे, कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसकी फुल डिटेल्स है। फर्दर मोर इसकी जो भी अपडेट्स आएंगी STS के हवाले से, IBA की, और तो मैं भी आपको अपडेट देता रहूँगा। इन लास्ट में आपको बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए जो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।